इस समय गणेश उत्सव की धूम शहर के हर गली मोहल्ले और गलियारों में मची हुई है। रीवा में भी सबसे बड़ा पंडाल अमहिया के राजा के नाम से सजाया गया है, जहां भक्तों का दिन रात तांता लगा हुआ है। जहां गजानन समिति के उपाध्यक्ष ने हमें बताया कि यहां सुबह और शाम दो बार गणपत पप्पा की आरती की जाती है एवं प्रसाद वितरण किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती है। अमहिया के राजा का जो पंडाल है वो विंध्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पंडाल है। लगभग 20 वर्षों से इस पंडाल को सजाया जा रहा है और बप्पा को विराजित किया जा रहा है। गणपति क्लब रीवा में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक गुप्ता, उप सदस्य अमहिया के राजा न्यू गणपति क्लब का। हमारे अध्यक्ष हमारे चाचा जी श्री अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। हम लोग 20 वर्ष से यहाँ गणेश प्रतिमा विराजित कर रहे हैं। बप्पा की कृपा से आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपना पंडाल है अपने रीवा में, और सभी सदस्य सेवा पे लगे हुए रहते हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ आती है जनता की। भक्त बहुत आते हैं यहाँ। शाम को 8 बजे आरती की जाती है बप्पा की, और सुबह 8 बजे की टाइमिंग होती है बप्पा की आरती की, और भव्य आरती होती है जिसमें अच्छी भीड़ होती है यहाँ, और बप्पा के भक्त सेवा में लगे रहते हैं। और अच्छा बप्पा के पास अच्छा नाम है अपने स्थान का नाम है अपने अमहिया गजानन न्यू गणपति क्लब अमहिया रीवा, अमहिया श्री गजानन जन कल्याण समिति रीवा।